चलो यहाँ पे चैलेंज चल रहा है उठने का, ना हाथ लगाना है ना कुछ भी लगाना है, उसका था लाइट जलाना का करो उसका लाइट जलाओ, लाइट जलाओ थोड़ा देखा जाए, बड़ा ही हीरो बन गया, उठा दो बोल रहा है, चलो करो। बेचारा तब से कोशिश करने में लगा हुआ है, आधा उठ रहा है उसका फिर गिर जा रहा। अरे करने तो दो, करने तो करने दो, अब उठा, कमर उठाने बोल रहा, कैसे करने बोल रहा है, अब मुस्कान करेगी। गुड, ये रही, ये होता है, इसको कहा जाता, खड़े हो जाओ देख लो, जिम जाके 800 रुपया बर्बाद कर रहा है, कोई फायदा का नहीं है। चलो 600 रुपया, 700 रुपया ठीक है, और उसको देखो, ये देखो उठ गया, डर चला गया। अरे अभी लोग लड़ाई, हाँ बस हो गया हो गया हो गया हो गया, और खाओ यही सब, ये खा रहा, ये खाता है और जिम जाता है, क्या बात है, क्या बात है, मेरे लिए आए तो खुद खा रहे चुमार। हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह से शाम हो गया है और मैं बैठ करके गेहूँ चुन रही हूँ यहाँ पे, मैंने लाइट जला दिया, अब मुस्कान वहाँ बैठ के शायद आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, हाँ आइसक्रीम ही खा रही है, तो गला फंस रहा है। तो सुबह से बैठ के गेहूँ ही चुन रहे हैं, ये रहा, और यहाँ मेरे पीछे में ये बोरा में ये चुन चान के रखा हुआ है, चुन लिए हैं इसको, ये रहा, इसको पिसने के लिए देना है। उफ, और बहुत ज़्यादा गंदा है गेहूँ में, और मैं बैठ के गेहूँ साफ कर रही हूँ मन्नू के कमरे में, और ये पूजा रूम दोनों है यहाँ पे, क्योंकि ये रूम अभी खाली है तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ सारा गेहूँ लेकर के। और ये गेहूँ में अभी ढेर सारा गेहूँ है साफ धो के रखा हुआ था, जिसको कि चुना हुआ नहीं था। मैं मुस्कान अकेले आइसक्रीम खा रही है लेकिन मनु को नहीं दे रही है, मनु देख रहा है मुस्कान का आइसक्रीम, अच्छा उसको देख रहा है, हमको लगा कि तू उसका आइसक्रीम देख रहा है। तो ये रहा, इतना सारा कचरा निकला है इस पे से, ये सब सरसों है या क्या है भगवान जाने, दिखता तो है सरसों के जैसा ही, और इतना ज़्यादा है ना कि कहना ही नहीं है। तो अभी इसको चाल के सिर्फ रख रहे हैं इस झोले में, जितना पिसाना था उतना चुन करके रख दिए हैं, और इसको बाकी को थोड़ा थोड़ा करके चुनेंगे। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट किए थे दोपहर में, जब भी लोग अपना ताकत दिखा रहा था तब स्टार्ट किए थे, और उसके बाद से नहीं लगे हुए हैं। तो मैं सोची कि अभी थोड़ा शाम हो गया है तो ब्लॉग बना लेते हैं ऐसे, पता नहीं आज ख़त्म तो होगा नहीं, क्योंकि शाम का कितना बज गया, 6:30 हो रहा होगा ना, 6:30 हो रहा है, मैं नहाए नहीं हूँ, मैं ऐसे पागल जैसे दिख रही हूँ, मेरा पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है। तो अभी मैं इसको चाल करके ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, तो फटाफट से मैं इसको पहले चाल लेती हूँ। इतना सारा इसमें कितने सरसों का दाना झड़ रहा है, दिख रहा है सरसों का दाना लगेगा, लेकिन पता नहीं सरसों का दाना है या नहीं है। तो अभी इसमें से सिर्फ सरसों निकल रहा है, बाकी इसमें से बहुत सारा कचरा है, ये घास का, ये बीज है, इस सबको चुनना पड़ेगा, ये चालने से नहीं निकलेगा। तो मैं इसीलिए चाल करके रख दे रही हूँ ताकि बार बार से घर गंदा ना हो, इसीलिए चाल रही हूँ। और कितना बचा हुआ है, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, अभी है और आधा घंटा लगेगा। गेहूँ चलना हो गया है और हो गया अंधेरा, आप देख सकते हैं बाहर में पूरा अंधेरा हो गया है, पता नहीं टाइम कितना हो गया यहाँ पे काम करते करते, पता समय का पता भी नहीं चला। ओह माय गॉड, ये रहा, बस 8 बजने ही वाला है, आधा घंटा बोले थे, इतना देर हो गया, बाप रे, और काफी सारा गंदा निकला है यहाँ पे, इतना सारा गंदा निकला है, झाड़ू करके इसको उठा लिए हैं, अब इसको फेंक देते हैं।
जब से मतलब कि खाना उना खा के जो बैठे हैं ना, बस बैठे ही रह गए हैं यहीं पे। और सोचे कि आज इसको साफ करके रख ही देते हैं। अगर आज साफ नहीं करते ना, अंधेरा है तो लाइट जलाते हैं, कोई लाइट भी नहीं जलाया है। अगर आज नहीं करते, आज आलस कर लेते ना, तो फिर भी नहीं होता। ऐसे ही करते करते तो दिन से रखा हुआ है। बाहर में हो गया है पूरा अंधेरा, पूरा दिन में। आज अभी दूसरी बार घर से बाहर निकल रहे हैं। कब से बैठे थे, सिर्फ गेहूं चुनने के चलते आज पूरा दिन मेरा निकल गया। इतना गंदा था तो टाइम तो लगना ही था। तो बस अब चलते हैं। दोपहर का बर्तन जो रखा हुआ है, खाना सिर्फ उठ करके इन लोगों खाना दिए हैं, खुद खाना खाए हैं, और सारा बर्तन रखा हुआ है अभी तक। अभी धोना है। मुस्कान क्या कर रही है, टाइम पास। इन लोगों के पास टाइम होता है पास करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि हम थोड़ा सा टाइम पास कर सके। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग घर के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पैसा कमा करके लाते हैं, वही लोगों को काम होता है। हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोगों को ही बहुत काम होता है कि नहाने का ही फुर्सत नहीं मिलता है। एग्जाम्पल मैं हूँ कि आज पूरा दिन बीत गया, रात का 8 बजने जा रहा है, मैं नहा ही नहीं हूँ। नहाना तो दूर का बात, बर्तन भी नहीं धुलाई किए हैं, काम तक खत्म नहीं किए हैं। चलते हैं ये वाला टब में आज ताजा ताजा पानी भरेंगे और नहाएंगे। आज मुस्कान भी पानी भर के मोटर से नहाई दिया ना, मजा आया था। इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी मोटर चलाऊंगी और पानी भर के और एकदम ठंडा ठंडा पानी से नहाएंगे, क्योंकि अभी टंकी का पानी जो है ना पूरा गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, तो इसको बाहर ही रखते हैं, इधर ही रख देते हैं। अभी पहले बर्तन धुलाई करते हैं, उसके बाद पानी भरेंगे। जी यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन है, ज्यादा नहीं है, और ये बर्तन धोया हुआ है दिन का, ये रखना है मुझे। और यहाँ कुकर में थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है दिन का, जो कि अभी खाने के लिए हो जाएगा। आज मैं बनाई थी नेनुआ का सब्जी, इस तरीके से पतला पतला दाल डाल करके, तो मुस्कान खाती है ऐसे। अगर सादा बना देंगे ना तो नहीं खाएगी। बचा हुआ सब्जी कटोरी में रख दिए हैं। अब कुकर चलते हैं, धोते हैं सारा बर्तन। अब अभी काम खत्म हो गया ना, गेहूं चुना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैठे भी थे बड़ी मुश्किल से, लग रहा था कि बाप रे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो मैं पहले जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, नहाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मुस्कान आटा गूंद दे रही है। ताना मारे इसलिए आज नहीं बोलेगी, ताना मारती है नहीं बोलेगी। मैं नहा वहा करके आ गई हूँ और खाना भी बन गया है, और मन्नू भी जिम से आकर के नहा लिया है। आज अच्छा लगा ना नहा के? आज इतना दिन गर्मी के बाद, मतलब पूरा गर्मी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटर चला के नहाया ना, तो इतना पानी ठंडा था, इतना पानी ठंडा था कि लग रहा था कि ठंडा का दिन है, लग रहा था ना उसे, डर भी लग रहा था नहाने के लिए कहीं सर्दी ना हो जाए। मतलब इतना ठंडा, जैसे ठंडा का दिन में जब पानी ठंडा होता है ना उस टाइप का, तो मतलब कि पहली बार ही डायरेक्ट मोटर चला के पानी से नहाए, तो टंकी का पानी से नहाते हैं तो पानी गर्म रहता है। हम मुस्कान भी नहा के यहाँ बैठ गई है, ये रही अपना कलाकारी कर रही है। अभी खाना वाना खाए नहीं है, अभी खाना खाना बाकी है। अभी अभी मनु आया है नहा करके, अभी लेता है, अभी खाएगा, देरी में खाएगा, खा लेगा खाना। तो हम लोग खाना वाना खाते हैं अभी। आज मौसम बहुत ठंडा हो गया, देखिए पौधा ही दिखा सकते हैं कि हवा अच्छा खासा चल रहा है, उधर झंडा भी उड़ रहा है। तो मैं बैठी थी छत में आकर के, और अब चलते हैं नीचे। छत में बैठे बैठे नींद आने लगा, तो अब चलते हैं नीचे। अब बच्चा लोग सब बैठ के भी शायद टीवी देख रहा है। बाहर में बहुत अच्छा ठंडा हवा लग रहा था, मन तो नहीं कर रहा अंदर आने का, लेकिन हल्का हल्का नींद लग रहा है इसीलिए। लेकिन अंदर में तो गर्मी ही लग रहा है, ऊपर में अच्छा लग रहा था। मुस्कान तो लग रहा है सो भी गई, इधर टीवी भी चल रहा है, मन में पढ़ाई ही कर रहा है। सुला दिया छत में ना, बहुत अच्छा हवा लग रहा है। अंगूठा का दिखा जाना है छत में नहीं। तो आज नेक्स्ट डे है, और अभी मेरा नहाना खाना सब हो गया है, और मैं आराम से बैठी थी यहाँ पे वीडियो एडिट करने के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरा वीडियो अधूरा रह गया है, मैं कंप्लीट नहीं की थी रात में। रात में जब मैं छत में बैठी थी, तो फिर जब मैं नीचे आई तो मन्नू पढ़ाई कर रहा था और मुस्कान उसके साथ सोई हुई थी, तो मुझे लगा कि मुस्कान सो गई,
फिर मैं उसको सीधा करूंगी, मैं सोच करके मैं वीडियो ऑफ की, कैमरा ऑफ की हूँ मैं। तो मुस्कान उठ गई, तो बस उसके बाद मुस्कान के साथ लगे रहे और फिर मेरा दिमाग से निकल गया कि मुझे वीडियो भी एंड करना है, और फिर मैं भी सो गई। और जब मैं अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरा वीडियो उधर रुक गया है। इतना काम रह जाता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता है। घर का भी काम मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से काफ़ी थक भी गई थी। पूरा दिन गेहूँ चुनते चुनते ना मेरा हालत ख़राब हो गया था, तो बहुत मुश्किल से मैं वीडियो भी बना ली। ऐसे भी वीडियो चलता नहीं है। पूरा 2 साल लगा है मुझे 500 सब्सक्राइबर पूरा करने में। क्या बोले अब हम, सिर्फ हेयर कटिंग वाला वीडियो चलता है, बाकी कोई नहीं चलता है। तो जो लोग मेरा हेयर कटिंग वाला वीडियो देखते हैं ना, वो लोग मेरा बाकी का वीडियो ब्लॉग भी देखे, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है, मेरा हेयर कटिंग का स्पेशल कोई चैनल नहीं है। मैं जब हेयर कटिंग कराती हूँ तो हेयर कटिंग वाला वीडियो मैं डाल देती हूँ, और डेली मैं जो करती हूँ वो मैं डालती हूँ। तो इतना धीरे धीरे पता नहीं और 500 पूरा होने में कितना साल लगने वाला है ना। चलिए जब तक जो होना है जो होगा बता देंगे, रहेंगे ब्लॉग में नहीं रहेंगे, मेरा वीडियो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। अभी तो खैर चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, मैं चला रही हूँ। चलिए आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।